एंट्रोपी क्लास 11th 12th बीएससी और एमएससी अभी तक आप लोग पढ़ते आए हो दैट एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस और इस डेफिनेशन को आप लोग समझते हो विद द एग्जांपल ऑफ योर ओन रूम कि अगर आपका रूम बहुत साफ है इसका मतलब ये बहुत ऑर्डर्ड है इसके अंदर डिसऑर्डरनेस बहुत कम है तो इसकी एंट्रोपी बहुत कम हो जाती है बट अगर आपका रूम बहुत मैसी होता है दैट मीन्स यहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है और आपके रूम की एंट्रोपी ज़्यादा हो जाती है पर क्या आप लोग इस डेफिनेशन और इस एग्जांपल से कुछ बेसिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे कि अगर आप लोग किसी आइस क्यूब को पानी के ग्लास में डालोगे तो वो आइस क्यूब पिघल जाती है ऐसा क्यों नहीं होता कि पानी फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाए अगर आपके पास कोई ट्यूब है और ट्यूब में पंचर हो जाए तो ऐसा क्यों होता है कि ट्यूब की गैस बाहर निकलती है ऐसा क्यों नहीं होता कि सराउंडिंग की गैस ट्यूब के अंदर फिल होकर ट्यूब एक्सपेंड होकर फट जाए सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन दीज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर एंट्रोपी क्या होती है तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर एंट्रोपी क्या होती है तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंट्रोपी को आज हम समझने वाले हैं विद द एग्जांपल ऑफ अ चेस बोर्ड एंड थ्री ऑब्जेक्ट्स पर लेट्स से कि आपके पास स्टार्टिंग के अंदर चेस बोर्ड है वो बहुत छोटा है आपके पास सिर्फ दो बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली हैं और दो बॉक्सेस वर्टिकली हैं और आपको ये तीन ऑब्जेक्ट्स को इस छोटे से चेस बोर्ड के अंदर रखना है बट देयर इज अ रूल कि आप एक बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो सो बेसिकली आप इस छोटे चेस बोर्ड के अंदर चार अलग अलग तरीकों से इन तीन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हो बट अगर आप लोग इन ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते तो डेफिनेटली आप इन चार कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते और इन चार कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग बोलते हैं माइक्रो states and all these micro states are equally probable yani ke agar aap log in objects ko dekh nahi paoge to aapke ye teen objects kisi bhi configurations ke andar ho sakte hain aur is chote chess board ko hum log kehte hain macro states ko aap log basically size se directly relate kar sakte ho aur aap log 2d ki baat karte ho to wahan par aap log area ko lekar chalte ho but agar aap log 3d ki baat karoge to wahan par hum log usko volume se relate kar sakte hain but one thing is sure ki agar aapke paas yahan par chess board ka size increase hota jayega aur aapke paas sirf teen hi objects rahenge to is case ke andar आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे आप लोग एक बड़ी मैक्रो स्टेट की तरफ मूव करोगे तो उसके अंदर की माइक्रो स्टेट्स के अंदर एक रैपिड इंक्रीज आता है दैट मींस एक बड़ी मैक्रो स्टेट के पास कुछ तो है जो एक्स्ट्रा है और इसे हमने कहा हायर एंट्रोपी और स्मॉलर मैक्रो स्टेट्स के लिए जिसके अंदर कम माइक्रो स्टेट्स है वहां पर हमने कहा कि इसकी एंट्रोपी कम है और यहां पर आपका राइज होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आपसे कहता है कि अगर आपके पास कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके अंदर डेफिनेटली आपका सिस्टम लोअर एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की तरफ मूव कर रहा होगा अब हम लोग एंट्रोपी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं विद द एग्जांपल ऑफ गैस लेट्स से कि आपके पास कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आपने कुछ अमाउंट ऑफ गैस ले लिया और उसको पिस्टन से मूव कर आपने कोरर के अंदर फिल कर दिया अगर मैं यहां पर इस पिस्टन को रिमूव कर दूंगा तो आप लोग अपने इंट्यूशन से बता पाओगे कि आपकी ये गैस पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएगी और इस तरीके से मूव करती हुई पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी पर ऐसा हुआ क्यों अगर आपको इसका एक्सप्लेन करना है तो आप लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी इन द इनिशियल स्टेट आपकी गैस जिस स्टेट के अंदर है वहां पर उसकी जो मैक्रो स्टेट है वो छोटी मैक्रो स्टेट है अगर मैक्रो स्टेट छोटी होगी तो उसके अंदर की माइक्रो स्टेट्स भी कम होगी दैट मींस इस स्टेट के अंदर इसकी एंट्रोपी क्या है कम है अगर मैं बात करूंगा फाइनल स्टेट की तो वहां पर आपके पास मैक्रो स्टेट अब बड़ी हो गई है दैट मींस उसके अंदर की माइक्रो स्टेट्स भी इंक्रीज हो जाएगी दैट मींस फाइनल स्टेट के पास ज्यादा एंट्रोपी है और आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा लोअर एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की तरफ मूव करेगा एंड इसीलिए आप चाहे कितना भी वेट कर लो आपके पास ये प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन के अंदर कभी नहीं होगा ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी गैस वापस से एक कोरर के अंदर कलेक्ट हो जाए अंटिल एंड अनलेस आप बाहर से कोई एक्सटर्नल हेल्प ना करें सो हियर आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर पूछे थे आइस जब आपकी मेल्ट होगी लिक्विड के अंदर तो वो एक लोअर एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की तरफ मूव कर रही होती है बिकॉज लिक्विड्स हैव हायर एंट्रोपी देन सॉलिड्स एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब एक ट्यूब पंचर होगी तो वो गैस बाहर की तरफ क्यों मूव करती है अगर आपको समझ में आया तो उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है बस इतना आज की वीडियो के लिए आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।